हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ मुंबई की एक फेमस स्ट्रीट फूड रगड़ा पैटीज की रेसिपी। यहाँ मैंने बहुत ही यूनिक स्टाइल में पैटीज तैयार किया है और रगड़ा मैंने रेडीमेड बाहर से मंगवा लिया है। मेरे चैनल पर उसकी रेसिपी है, आप चेक कर लेना कि कैसे रगड़ा तैयार किया जाता है। ये खाने में बहुत ही टेस्टी होता है, बहुत ही सिंपल है इसकी रेसिपी। बहुत कम टाइम में ये चाट तैयार हो जाता है और आप गार्निशिंग में कुछ भी अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं। बस आप इजी वे में पैटीज और रगड़ा तैयार करके इसे एक साथ असेंबल करके और कोई भी टॉपिंग डालकर या फिर चटनी वगैरह मसाला यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रेसिपी। सबसे पहले मैंने यहाँ छोटे आलू को बॉईल कर लिया है। अब पोटैटो मैशर की मदद से मैं यहाँ इसे ऐसे प्रेस कर रही हूँ और इसके छोटे छोटे टिक्की तैयार कर लूँगी। तो टिक्की तैयार करने के लिए यहाँ हमें कुछ मसाले लगेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ सत्तू ले रही हूँ। आप चाहे तो यहाँ दही या फिर बेसन ऐड कर सकते हैं। इसके बाद ब्लैक पेपर पाउडर, रेड चिली फ्लेक्स, ओरिगैनो, गरम मसाला, रेड चिली पाउडर, हल्दी, चाट मसाला, जलजीरा, टमाटो केचप, रेड चिली सॉस, नमक। अब इन सारी चीज़ों को मैं अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी और एक स्मूथ बैटर तैयार कर लूँगी। आप चाहे इसमें 2-3 स्पून पानी भी ऐड कर सकते हैं या फिर दही भी ऐड कर सकते हैं। तो देखिए मसाला रेडी हो चुका है। अब मैं सारे आलू को अच्छी तरीके से मसालों में कोट कर लूँगी। दोनों तरफ से ही मैं आलू को कोट कर दूँगी मसालों में। इसे मैंने एक साइड से लगाया है, उसके बाद मैं इसे पलट कर दूसरे साइड में भी लगा लूँगी। उसके बाद मैं एक एक आलू को फ्राई कर लूँगी। तो मैंने यहाँ तेल ले लिया है। बस इतने कम तेल में ही हमें इसे शैलो फ्राई करना है, इसे हमें डीप फ्राई नहीं करना है। इसके बाद इसे दोनों तरफ से फ्राई करके मैं निकाल लूँगी। अब मैं इसे दूसरे तरफ पलट देती हूँ। देखिए आलू दोनों साइड से सैलो फ्राई हो चुका है। अब एक एक करके मैं इसे निकाल लूंगी। तो यूनिक स्टाइल में आलू की पैटीज तैयार हो चुका है। अब मैं चाट बनाने की प्रोसेस स्टार्ट करती हूँ। तो मैंने यहाँ एक प्लेट ले लिया है। अब मैं रगड़े को उसमें डाल रही हूँ। मैंने बाहर से रगड़ा मंगवाया था, आप चाहे तो घर पर बना सकते हैं। बस एक चुटकी हल्दी और नमक देकर 5 सीटी लगाकर अगर मटर को बॉईल कर लेंगे तो रगड़ा तैयार हो जाएगा। अब रगड़े के ऊपर मैं एक एक करके आलू की पैटीज रख रही हूँ। उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ चाट मसाला, उसके बाद मैं इसमें डालूँगी जलजीरा, उसके बाद भुना मसाला। इसकी रेसिपी मेरे चैनल पर है, आप चेक कर लेना, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी। उसके बाद मैं इसमें डालूंगी टमाटर, हरी मिर्च, प्याज, हरा धनिया। आप टॉपिंग में कुछ भी डाल सकते हैं, कुछ भी मसाला यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ काला नमक, उसके बाद नींबू का रस, उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ सेब। तो देखिए मुंबई की फेमस स्ट्रीट फूड रगड़ा पैटीज तैयार हो चुका है। तो कैसा लगा आपको आज की रेसिपी, प्लीज़ मुझे कमेंट कर बताना। और अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आए तो लाइक कर देना वीडियो को और मेरे चैनल को
सब्सक्राइब कर देना अगर आप नए हैं, क्योंकि इसी तरीके की यूनिक रेसिपीज़ मैं आप लोगों के लिए अपलोड करती हूँ। मेरे चैनल पर और भी कई सारे चाट की रेसिपी है, गोलगप्पे की रेसिपी है, तो आप उसे भी चेक कर लेना। तो अभी के लिए बाय बाय, फिर मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपीज़ के साथ।